खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर ब्यावर शहर में मेवाड़ी गेट के बाहर साईका तकिया गली में अयोध्या धाम प्रतिष्ठा से जुड़े भगवान श्री राम के पोस्टर समुदाय विशेष युवकों के द्वारा फाड़ने और किए गए कृत्य के विरोध में ब्यावर शहर के विविध हिंदू संगठन भड़क गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इसको लेकर माहौल गर्मा गया, जिसके बाद मौके पर भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, सुरेश वैष्णव, प्रति सिंह भोजपुरा, विकास कुमाऊत, मंगल सिंह मोनो, ऋखभ चंद कटोड़, बलवीर रावत, अजय पुलवारी पहुंचे। इस दौरान ब्यावर ASP हिमांशु जांगीड, कार्यवाहक सिटी थाना हनुमान सिंह, साकेत नगर CI करण सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। वहीं विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया ने प्रशासन से बात की और उक्त मामले को लेकर उक्त जगह किसके नाम है और किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं आदि की जांच करवाई जाने की मांग की गई। वहीं ASP नरेंद्र सिंह चौधरी को इस मामले में प्रभावी कदम उठाने की बात कही। सिटी थाना पुलिस ने मेवाड़ी गेट के पास मदरसे से दो युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं सिटी थाने के बाहर जमा आक्रोशित लोगों से विधायक शंकर सिंह रावत ने समझाइश की। इस मामले में पुलिस को पोस्टर फाड़ते युवकों के CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। वहीं ब्यावर ASP हिमांशु जांगीर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले को लेकर ब्यावर शहरवासियों से न्यूज़ अंडेट राजस्थान आप सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता है। ब्यावर से प्रकाश भाट की रिपोर्ट। ब्यावर शहर में शांत प्रिय शहर के अंदर इस प्रकार के एक षड्यंत्र रच करके और जातीय दंगा भड़काने का जो कार्य किया गया है, जिन लोगों के द्वारा बहुत घृणित कार्य हैं। ब्यावर में 36 जात के लोग रहते हैं, सभी हमेशा भाईचारा के रूप में बना के रहते हैं। कुछ उत्पाती लोग किसी भी जाति विशेष के हो सकते हैं, वो इस प्रकार का कृत्य करने का, घृणित कार्य करने का प्रयास करते हैं, षड्यंत्र रखते हैं। तो आज उन्होंने शुरुआत की है और इसके लिए पूरा प्रशासन खड़ा है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, इस प्रकार तत्परता दिखाते हुए आपने तुरंत इस प्रकार बदमाश लोग जो ऐसा षड्यंत्र रखते हैं उनको उठाया है। लेकिन मैं आगे भी ये कहना चाहता हूँ, इनके ऊपर कोई नरमी नहीं रखें, इनका रिमांड लेकर के इस प्रकार का सोच कैसे हुआ तुम्हारा, उसके ऊपर अपने को जाना चाहिए। आपकी भावना क्या थी ब्यावर के अंदर आग लगाने की? ये ब्यावर शांत प्रिय एरिया रहा है और सारे लोग शांति से जा रहे हैं। इस सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचते हो ना, ये मंसूबे तुम्हारे कभी भी कामयाब नहीं होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ। सरकार की बहुत अच्छी सोच है, सभी को साथ में लेके चलने की सोच है, सभी को साथ में रखने की सोच है। लेकिन इस प्रकार कोई बदमाशी करेगा, कभी बक्से नहीं जाएंगे वो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक ही बात है, भगवान श्री राम का एक बैनर सरकारी विद्युत खंभे पर लगा हुआ था। ये मेवाड़ी गेट के पास एक बहुत ही विवादित जगह है, जिसको पूरा शहर साई के तकिए के नाम से जानते हैं। उसमें से रात को 12:30-1 बजे के लगभग एक युवक आता है। एक युवक पहले ही बाहर से खड़ा है एक्टिवा लेकर, दोनों मिलकर प्रभु श्री राम के बैनर को उखाड़ के ले जाते हैं अंदर। और हमें ये जानकारी मिली है कि प्रभु श्री राम को बैनर को उन्होंने बिछाकर हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए बैनर का दुरुपयोग, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए किया गया है। ये हिंदू समाज कतई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम किसी धार्मिक स्थल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रभु श्री राम का या हमारे किसी भी प्रकार के बैनर का दुरुपयोग करता है, प्रभु श्री राम के साथ अनैतिक आचरण करने की कोशिश करता है, तो हम भी प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं। असुरों का संहार करने में कार्यकर्ताओं को कोई किसी प्रकार की देर न लगेगी। अभी हमने माननीय थाना अधिकारी महोदय को ये सारा विषय बताया, उन्होंने वीडियो देखा, वीडियो देखकर उन्होंने भी पुष्टि की कि वास्तव में ये गलत हुआ है और पुलिस अपना काम कर रही है। हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता बहुत शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से शहर का माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं। हम प्रशासन से तुरंत मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कितने आरोपी थे? दो लोग हैं, एक एक्टिवा लेकर खड़ा रहता है और एक एक्टिवा के ऊपर चढ़कर किसी कुल्हाड़ी टाइप के शस्त्र से, हथियार से उस बैनर को काटता है। उस बैनर का एक टुकड़ा अभी भी खंभे पर लटक रहा है। और हम तो प्रशासन से आज एक और मांग करते हैं, हमारे पूर्व थानाधिकारी माननीय भगवत सिंह जी CI के टाइम
यहाँ पर अवैध हथियारों का एक जखीरा बहुत बड़ी मात्रा में और तेजाब की बोतलें भी उस समय पकड़ी थी। आज भी हम प्रशासन से मांग करेंगे कि आप एक बार पुनः इस स्थल की जांच करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इस समय भी इसमें अवैध हथियारों का एक जखीरा मिलेगा प्रशासन को। प्रशासन अपनी पूरी मदद करेगा, नहीं तो प्रशासन अपने को ले जाएगा, तो अपने पिक्चर अभी पर चले जाएंगे, बात करेंगे वहाँ पर जाने नहीं जाएगी। एक तो के लेट बढ़ना अपने ऐसे तो मजबूत रहकर यहाँ बैठे, अपन कोई आवेश में नहीं आवे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं जब तक ये बंद नहीं हो जाए, तब तक जब ये गतिविधियाँ बंद नहीं हो जाए तब तक यहीं बैठे और यही तलाश नहीं हो जाए तब तक अपने यहीं बैठे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अनावश्यक माहौल खराब नहीं करना, अपने को बैठना है यहाँ पे, इनको खत्म करने के लिए बैठते हैं अपने को। ठीक मेरे भाइयों, स्थान ग्रहण करो। सामने बता दीजिए।